हेलो दोस्तों मैं हूं आयुष मेहता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद आयुष मेहता सो so, मैंने इस वीडियो के बारे में अपने लाइव सेशन में भी बता रखा था जब मैं लाइव आया था लास्ट संडे तो मैंने डिस्कस किया था कि मैं आपके लिए ग्रुप टूर की अपडेट लेके आऊँगा कि कौन सी एजेंसी कर रही है और ऑस्ट्रेलिया वो लोग जाने वाले हैं वर्ल्ड कप के लिए स्पेशली मैचिज़ देखने के लिए और साइट वगैरह सब विजिट करने के लिए अच्छे से पूरा तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा प्लीज़ वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर लीजिएगा सब कुछ डिटेल्स वहाँ भी आपको मिल जाएंगी और इसमें कितनी कॉस्ट आ रही है क्या इसमें बजट होगा ग्रुप कब जाएगा और टिकट्स वगैरह इसमें ऐड है कि नहीं क्या सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो स्टार्ट करते हैं वीडियो सीधा हम लोग जो जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं विजिट वीजा पे टूरिस्ट वीजा पे ठीक है ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा टू ठीक है तो अभी अपनी एजेंसी इंडिया की वो कर रही है बट पहले मैं बता देता हूं कि डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया है वर्ल्ड कप टूर जा रहा है ठीक है वर्ल्ड कप होने वाला है क्रिकेट वर्ल्ड कप आईसीसी टी क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 में अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में तो अभी जो चेक इन की डेट आई है वो उनतीस अक्टूबर की है ग्रुप यहाँ से निकलेगा उनतीस अक्टूबर को दो हज़ार बाईस को और चेकआउट वहाँ पर बारह नवंबर ठीक है वापस आने की डेट है ट्वेल्थ नवंबर की तो जिसमें फोर्टीन नाइन् फिफ्टीन डेज़ का रहेगा मतलब चौदह रात और पंद्रह दिन का टूर रहेगा ग्रुप टूर टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं और इसमें जो फ्लाइट की डिटेल्स वगैरह रहेंगी वो इकोनॉमी रहेगी ऑलमोस्ट चांसेस से डेली से ही फ़्लाइट रहेगी सबकी ठीक है और जो रूम्स रहेंगे वो शेयर्ड रहेंगे वो बता देता हूँ होटल टाइप रहेगा थ्री स्टार होटल रहेगा थ्री स्टार प्रॉपर्टी में आप लोग रुकेंगे और जो इसमें बता देता हूँ कि आइटनरी क्या रहेगी सब कुछ वो भी शेयर कर देता हूँ बट मैं पैकेज की के अगर डिटेल की बात कर दूँ कि इसमें कॉस्ट कितनी आएगी तो जो इसमें टोटल पैकेज आना है कॉस्ट फॉर वन एडल्ट वो लगभग आपका आएगा टू लाख सिक्सटी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज़ प्लस फाइव परसेंट जी एस टी लेंगे मतलब दो लाख सिक्सटी सेवन थाउजेंड टू लाख सिक्सटी सेवन थाउजेंड का ये पैकेज है पर पर्सन जो पंद्रह दिन वहाँ पे रुकेंगे ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ इंडिया से जाएंगे एज ए टूरिस्ट टूरिस्ट वीज़ा पे आप लोग जाने वाले हैं और पंद्रह दिन आप लोग मिनिमम रुकने वाले हैं और इसमें क्या क्या इंक्लूड है ये सब भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ तो जिनका बजट 267 का देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी बजट कम है इसमें देखा जाए तो वरना लोग बहुत ज़्यादा पे करके जाते हैं तब भी वीज़ा और टूर नहीं जाता या वीज़ा नहीं लगता जो भी चीज़ें और पहली चीज़ बता दो वीज़ा की गारंटी कोई नहीं लेता है ग्रुप टूर जा रहा है तो थोड़े से बेनिफिट्स है लाइक आपको वीज़ा लगने के बहुत हाई सक्सेस रेट है राइट ना क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टू ईयर से बनता पहली चीज़ तो रीज़न ये हो गया ग्रुप जा रहा है तो एकोमोडेशन आपको सस्ता पड़ रहा है आपको ट्रांसपोर्टेशन सस्ता पड़ रहा है फ्लाइट टिकट भी सस्ती पड़ेगी बिकॉज बल्क में अगर कोई चीज़ की बुकिंग होती है चाहे वो रूम्स की हो गई चाहे वो एयरलाइन की टिकट्स की हो गई चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन कैब हो बस हो या कुछ भी हो अलग तो उसमें थोड़ा सा चीप पड़ता है आइटनरी की बात करूँ तो डे वन की जो आइटनरी रहेगी उनतीस अक्टूबर की रहेगी डेली से आप पर्थ जाओगे ठीक है पर्थ ठीक है उसके अलावा यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि उसके बाद जाओगे तो वेलकम टू तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे सारा चीज़ें लिखा हुआ है पीडीएफ में सब कुछ मेंशन है 30 अक्टूबर को आप मेलबर्न जाओगे ऑप्टस स्टेडियम ठीक है आपका स्टेडियम जाने के बाद उसके बाद यहाँ पे ब्रेकफास्ट करोगे होटल में एट में, में मेंशन है और जिस दिन मैच रहेगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का ठीक है और बाकी मैच जो है यहाँ पे कंफर्म नहीं जो जो शेड्यूल है अभी कंफर्म की ये मैच होने हैं वो यहाँ मेंशन करा गया बाकी वो मैच चेंज भी हो सकता है वो शेड्यूल आने पर आपका कन्फर्म होगा ठीक है ओवर स्टे करोगे होटल में पूरा उसके बाद थर्टी को परथ आप घूमोगे पूरा उसके बाद फर्स्ट नवंबर को परथ और एडी आप जाओगे वहाँ पर भी आपको ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा और वहाँ पर आपको फिर एक्टिविटी करनी होगी सेकंड नवंबर को आप एडिलेड जाओगे ओवल स्टेडियम में वहाँ पे इंडिया एंड बांग्लादेश का मैच होने वाला है ठीक है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश ठीक सेकेंड नवंबर को उसके बाद आपका थर्ड नवंबर को रहेगा अमेजिंग एडिलेट आप घूमोगे उसके बाद आप फोर्थ नवंबर को घूमोगे एडिलेट टॉन्स रिवर क्रूज इन एडिलेट क्रूज में घूमोगे ठीक उसके बाद फिफ्थ को आप एडिलेट घूमोगे जो कि फ्री टाइम रहेगा आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो सिक्स को आप जाओगे मेलबर्न सेवन को आप जाओगे मेलबर्न ऑडियो टूर जाओगे वॉक टूर रहेगा पूरा नाइन्थ को जाओगे आप सेमीफाइनल देखने मतलब सिक्स के बाद सेवन के, के बाद सीधा नाइन्थ एथ को आई थिंक रेस्ट रहेगा मेलबर्न uh, में सेमीफाइनल होना किसका होगा वो डिपेंड करेगा उस टाइम पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ठीक अब दस नवंबर को फिर आप एडिलेट मेलबर्न सिटी घूमोगे फेरी क्रूज में एलैन नवंबर मेलबर्न डे फ्री रहेगा एंड ट्वेल्थ नवंबर आप मेलबर्न से दिल्ली आ जाओगे ये ट्वेल्थ नवंबर की आखिरी डेट है इसमें आप वापस आओगे इंक्लूजन इसमें क्या क्या है जैसे कि आपकी फ्लाइट टिकट इंक्लूड है आपका फाइव नाइट का स्टे एडिलेड में मेलबर्न का सिक्स नाइट का स्टे रिटर्न एयरपोर्ट ट्रांसफर थ्री नाइट का स्टे ट्रेवल इंश्योरेंस टूरिस्ट वीज़ा की कॉस्ट एम फीस वगैरह एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप ऑल साइट सीनिंग और जितना आप ट्रेवल करेंगे सब कुछ इसमें एवरी थिंग यहाँ पर इंक्लूड है ठीक है इसमें जो टिकट्स हैं वो अभी इंक्लूड नहीं करी गई है वो जितने लोग फाइनल होंगे उसके हिसाब से निकाली जाएंगी आपका ऑस्ट्रेलिया की जो टिकट रहेंगी वर्ल्ड कप मैच के जो पासिस रहेंगे उसमें शायद टेन परसेंट आपका इंक्लूड है और इसमें कॉस्ट बढ़ सकती है मे बी जो टू सिक्सटी सेवन है वो आपका टेन परसेंट इंक्रीज़ हो सकता है डिपेंड करता नहीं तो अगर इसमें होगा तो इसमें भी इंक्लूड कर दिया जाएगा ठीक है तो मान के चलो कि आप थोड़ा बहुत कैरी करोगे अमाउंट तो पकड़ के चलो कि थ्री तक का अगर आप ले के जाते हो कॉस्ट अपनी थ्री लाख तक की तो आप आराम से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो जिनकी प्रोफाइल अच्छी है ठीक है अभी क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी सब मैं बताने वाला हूँ आपसे शेयर अभी करूँगा ठीक है और बाकी जी वगैरह इसमें लगेगा कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा भी हो सकती है वो आप एजेंसी से एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ठीक है और इसमें बच्चे भी जा सकते हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर फैमिली जा रही है पूरे तो उसमें भी फायदे रहेंगे काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं तो इसमें पूरा आप पढ़ सकते हैं एजेंसी का नाम बता देता हूं स्टार फिश ट्रैवल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड स्टार फिश से आपको कांटेक्ट करना है यशदीप मलिक सर है डेली में इनकी ऑफिस है डेली में है पोर्टुगल में भी ओपन हो चुका है तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए बहुत ही बेस्ट एजेंसी है और इनके ग्रुप टूर काफ़ी कंट्रीज़ के लिए जाते रहते हैं अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए तो मैं अपडेट कर रहा हूँ अदर कंट्रीज़ का आएगा तो वो भी चैनल पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी और किसी तरह की ये पेड प्रमोशन नहीं है ये सिर्फ उनके लिए है कि जो लोग बहुत दिन से ऑस्ट्रेलिया थे जिनका वीजा रिफ्यूज हो चुका है या जिनका बजट है और वो उनको पता नहीं है कि हमें कैसे अप्लाई करना है हम खुद से अप्लाई नहीं करना चाहते और हम ग्रुप टूर में जाना चाहते क्योंकि जो सक्सेस रेट अगर सेवेंटी का है खुद अगर आप अप्लाई करते हो ग्रुप टूर में वही सक्सेस रेट नाइन्टी का हो जाता है तो वो उसमें थोड़ा बेनिफिट है ग्रुप टूर में आप अच्छे से घूम लोगे और गाइडेंस मिल जाता है आपको टूर गाइड रहेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं ठीक है इनकी मेल आईडी जो है, है और कॉन्टैक्ट नंबर है नाइन एट वन जीरो ई मेल आई आईडी बता दी एड्रेस इनका सेक्टर सेवन रोहिणी, न्यू दिल्ली में है बाकी पूरा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर मेल आई वेबसाइट सब डिस्क्रिप्शन में दे दिया यहां पर भी लिख के आ रही है तो ये तो मैंने नॉर्मल आपको बता दिया इसके बारे में और बाकी यहाँ पे लिखा है गुड प्रोफाइल रिक्वायर्ड ठीक है वीजा गारंटी नहीं होती है डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर हाई वीज़ा सक्सेस रेट है राइट नाउ ग्रुप के साथ आपको ट्रेवल करना है इसमें सब कुछ टूरिस्ट साइज साइट्स हो गई घूमना रहना खाना पीना ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ इंक्लूड है टू लैख सिक्सटी सेवन थाउजेंड के पैकेज में ये अप्रॉक्स है पर पर्सन की कॉस्ट है ये बढ़ भी सकती है डिपेंड करता है अब हम बात करते हैं कि क्रिकेट के मैच जल्दी क्रिकेट के जो मैच होंगे पासिस जल्दी आपके ऐड होने हैं इसमें और जो वीज़ा एप्लीकेशन का टाइम रहेगा वो जुलाई से लेकर अगस्त का रहेगा तो जुलाई में वीज़ा लाइक एप्लीकेशन का सबके होना स्टार्ट हो जाएंगे अपॉइंटमेंट्स वगैरह अभी से लेना स्टार्ट हो जाएंगे तो जुलाई एंड अगस्त में आपका वीज़ा प्रोसेस होगा ट्रैवल मंथ मैंने बता दिया है अक्टूबर है अक्टूबर में ट्रेवल करेगी सब लोग ट्रैवल करने वाले हैं अक्टूबर में और कितने अक्टूबर को करेंगे ये सब मैंने आपको अच्छे से सब कुछ बता दिया तो आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो मैंने पूरा एवरीथिंग इसमें आपको बता दिया कि उनतीस अक्टूबर से बारह नवंबर का ये टूर रहने वाला है आपका ठीक है और अब इसमें आपका पर्थ हो गया एडिलेड हो गया मेलबर्न हो गया ये सब जगह पर आप ट्रेवल करेंगे ठीक है ऑन टूरिस्ट वीज़ा पे ये तो आपका चीज़ें मैंने बता दी पैकेज बता दिया और अक्टूबर में आप ट्रेवल करोगे जून जुलाई या अगस्त का वीज़ा एप्लीकेशन टाइम हो गया और इस वीज़ा के लिए आप खुद भी अपलीकेशन कर सकते हैं पहले ये बता दूँ जरूरी नहीं है, आप एजेंसी के पास जाओ आप खुद भी अप्लाई करोगे तो सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है बट डॉक्यूमेंटेशन आपके सेम होने चाहिए तो आपकी कॉस्टिंग थोड़ी सी अगर आप खुद जाना चाहते हो सोच रहे हो कि नहीं मैं यही थोड़े कम पैसे में घूम सकता हूँ मैं अगर खुद अप्लाई करूँ तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं ये वीडियो का ये मतलब नहीं है कि आप एजेंसी के पास जाएँ आप खुद भी टूरिस्ट वीज़ा के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लीकेशन कर सकते हैं और विदाउट ग्रुप टूर या अपनी फैमिली लेके या सोलो ट्रैवलर भी आप ट्रेवल कर सकते हैं सेकेंड ऑप्शन मैंने बता दिया कि ग्रुप भी जा रहा है तो इसमें भी आप इंक्लूड हो सकें ज़्यादा जानकारी के लिए आप एजेंसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्टार फिश से और सोनम मैम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और भी स्टाफ में काफ़ी लोग हैं आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ठीक है और डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड रहेंगे लाइक आपका पासपोर्ट हो गया फोटोज हो गई प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया अगर आप बिजनेस करते हैं तो एम ओ ए जी अगर आप जॉब करते हैं तो एन चाहिए कंपनी की तरफ से सिक्स मंथ की सैलरी स्लिप्स हो गई सिक्स मंथ की बैंक स्टेटमेंट हो गया और आई टी से तीन साल का और कोई एसेट्स है लाइक म्यूचुअल फंड है एफ है या कुछ और इसके अलावा आपका एम है या पी है एक्सेट्रा अगर अवेलेबल है तो वो भी आप इंक्लूड कर दीजिए ये आपको कवर लेटर की फैसिलिटी देंगे कवरी लेटर आपका एजेंसी बनाएगी आपका ट्रेवल एट एजेंसी बनाएगी स्टे एट एजेंसी एगी आपका टिकट के जो टिकट पी एन होते हैं वो भी एजेंसी करेगी और होटल वाउचर्स भी एजेंसी ऐड करेगी तो इतनी हेल्प आपकी एजेंसी कर रही है और काफी हाई सक्सेस रेट है बाकी डिपेंड करता है एमबीसी के ऊपर वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा ये डिपेंड करता है जी ठीक है इसमें कोई वीजा की श्योरिटी कोई भी नहीं लेता आज के टाइम में किसी भी कंट्री के स्पेशली यूरोप हो गया यूके हो गया या, या फिर आपका अदर कोई कंट्रीज हो गई आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नाइन एट वन जीरो वन फोर वन वन फोर जीरो कॉन्टैक्ट नंबर है टेन एम टू सिक्स पी एम के बीच में इनको आप कॉल कर सकते हैं ई मेल कर दीजिएगा इनफो एट द रेट एस एफ टी सी डॉट इन या फिर वेबसाइट पर जा सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट स्टार फिश ट्रेवल डॉट को डॉट इन और स्टार फिश से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्टार फिश एजेंसी रजिस्टर्ड है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आई एस ओ एस टी एंड आई ए टी ए अप्रूवड है न्यू डेली इंडिया में इनका ऑफिस है सेकेंड ऑफिस इनका लिस्बन पोर्टुगल में है जैसे कि मैंने बताया था पोर्टुगल का वर्क परमिट भी है करते हैं बाकी हम टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंडिया में इनका ऑफिस जो है ए वन वन हंड्रेड सिक्सटीन फर्स्ट फ्लोर सेक्टर सेवन रोहिणी न्यू डेली और पिन कोड है एलेवन डबल जीरो एट फाइव यूरोप का ऑफिस मैंने बता दिया लिस्बोआ लिस्बन पॉर्तुगल में है और पोलैंड में भी इनका ऑफिस होपफुली चांसेस है विद इन टू थ्री मंथ्स में ओपन हो सकता है तो ये थी आज की वीडियो जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं ग्रुप टूर के साथ और टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हैं जिनकी प्रोफाइल अच्छी है और जिनकी सैलरी वगैरह ठीक ठाक है अब बात करें लोग के मन में डाउट आएगा कि हमारी सैलरी मिनिमम कितनी होनी चाहिए तो बात करो बिज़नेस की तो कोई वो नहीं है बट अगर आप सैलिड हैं आपकी पर मंथ सैलरी आती है अकाउंट में तो थर्टी टू थर्टी मिनिमम पर मंथ की आपकी सैलरी हो तभी आप एप्लीकेशन करें ज़्यादा बेटर रहेगा ज़्यादा हो तो अच्छी बात है पचास 70,000 हज़ार अगर, अगर आप कमाते हैं तब भी कोई इशू नहीं बट अकाउंट में आपके मिनिमम मिनिमम सेवन टू एट लाख या फाइव लाख के फ़ंड्स कम से कम हो मतलब फ़ोर टू फाइव लाख से नीचे फंड्स ना हो ठीक है क्योंकि फोर लाख से नीचे होगा तो कोई नहीं मतलब है कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए एप्लीकेशन करें एटलीस्ट फोर टू फाइव लाख फंड्स हो और मिनिमम सैलरी थर्टी फाइव थाउजेंड के आसपास पर मंथ आप रिसीव कर रहे हो आई भी आपकी साढ़े चार लाख पाँच लाख या पाँच लाख का टैक्स नहीं भरते ठीक है फाइव लाख से नीचे भी अगर आई है तो कोई इशू नहीं आप अप्लाई कर सकते तो ये सब चीज़ें मेन मेन एलिजिबिलिटी है ट्रेवल हिस्ट्री अगर है आपकी दो तीन कंट्री आप ट्रेवल्ड है लाइक थाईलैंड मलेशिया इंडोनेशिया सिंगापुर दुबई कोई भी कंट्री या फिर स्टिकर वीज़ा आपके में लगा हुआ है थाइलैंड का रशिया का या किसी भी अदर कंट्री का तो बहुत बेनिफिट आपको मिलेंगे शैनिंग ट्रेवल्ड है या यू भी ट्रेवल्ड है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए ठीक है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये इनफॉर्मेशन दी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा शेयर जरूर कीजिएगा जिनको भी जाना है उन तक आप ये वीडियो को पहुंचा सकते हैं शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर कर लीजिएगा ट्रेवल ऐसी वीडियोस आपको और आने वाले टाइम में मिलती रहेंगी सो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ वीडियो को अच्छे से आप शेयर कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें बाय बाय सी यू टेक केयर स्टे सेफ जय हिंद